रंगों का त्योहार होली पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी की ख्वाहिश होती है कि खुशियों के रंग से सबकी जिंदगी गुलजार हो सके। आज हम आपको लखनऊ की कुछ ऐसी महिलाओं से मिलाएंगे जिनकी खुद की जिंदगी समय की ठोकर से बदरंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी दूसरों की जिंदगी में होली का रंग भर रही है। जी हाँ, समूहों में काम कर रही इन महिलाओं में ज्यादातर विधवा और तलाकशुदा हैं। ये सभी एक घर में इकट्ठा होकर होली में स्वादिष्ट गुजिया और कई तरह के पकवान बनाती हैं। अभी महिलाएं अल्पाहार महिला ग्राम उद्योग से जुड़ी हुई हैं और लखनऊ के गोमती नगर के इलाके में पूरी मेहनत से मिलकर त्योहार के मौके पर पारंपरिक व्यंजन तैयार करती हैं। इसकी शुरुआत पूजा गुप्ता ने साल 2007 में की थी। इसके साथ लगभग 80 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये पकवान बनाती हैं। यहाँ पर करीब 100 किलो गुजिया तैयार की जाती है जिसका स्वाद एकदम घर जैसा होता है, जो आपको अपनी माँ के हाथ के स्वाद की याद दिला दे। ये सभी पकवान ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। हमें तो अपने घर जैसा ही लगता है, चाहे समोसे हो, चाहे मटरी हो, चाहे तो हमने बनाया नहीं है, हम सब यहीं इसलिए लेकर जा रहे हैं। हम बहुत लॉन्ग टाइम हो गया 8-10 साल, जब से मतलब शुरू खुला है तभी से हम आ रहे हैं यहाँ पर। क्या खोया पड़ता है, मेवा पड़ता है भैया। कैसे बनती हैं? जैसे पहले आटा साना जाता है, मोयन मिला के उसके बाद में भरी जाती हैं, उसके बाद में दाब के यहाँ तली जाती हैं, बस ऐसे बनती हैं। क्या खासियत इसमें? खासियत का अच्छी लगती है, खाने में मुलायम भी रहती हैं। अल्पाहार की खासियत सबसे बड़ी ये है कि हम लोग जो है जो चीज़ बनाते हैं बिल्कुल प्योर बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं और अच्छे से अच्छा आइटम यूज़ करते हैं। जो भी रॉ मटेरियल होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, बल्कि हमारा जो भी नमकीन है और जो सब कुछ है केवल इकलौते दुकानदार हमें पूरे लखनऊ में जो कि सूरजमुखी तेल यूज़ करते हैं। बाकी लोग तो सोयाबीन और बावर्ची करते हैं, हम लोग इकलौते सोयाबीन ना यूज़ करके सूरजमुखी तेल में सब सामान बनाते हैं और मीठा जितना भी है सब देशी घी में। अल्पाहार की शुरुआत ऐसे हुई थी भैया कि हम लोग एक्चुअली शुरू से ही जो है ना ये सोचते आए कि जो भी चीज़ खाएं प्योर खाएं। पहले हम जिस व्यवसाय में थे वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो बाहर से आती थी, सब कंपाउंड्स होते थे, ये सब चीज़ होती थी, प्रीमिक्सेस होते थे, तो हमको लगा कि ये चीज़ प्योर नहीं है। तो इस तरीके से हमने शुरुआत की, मतलब हमारे कोई भी चीज़ बाहर की ऐसी आती ही नहीं है जो कि सोच के भी लगे कि कोई चीज़ मिक्सचर है या आर्टिफिशियल है। मतलब हमारे किसी भी सामान में ना कोई कलर यूज़ होता है, ना कोई फ्लेवरिंग यूज होते हैं, ना कोई टेस्ट एनहांसर यूज़ होता है, जो चीज़ है सबका नेचुरल टेस्ट है। ये बताते हैं कि हम ऐसी महिलाओं को ही अपने साथ जोड़ते हैं जिनको कहीं काम नहीं मिलता है या जो विधवा हैं या उनके पतियों ने उन्हें ठोकर खाने के लिए बेसहारा छोड़ दिया है, या फिर 80 साल की दादी और नानी जो आज भी काम करने की इच्छा रखती हैं, जिससे एक ओर जहां उनको आत्मनिर्भर होने में मदद मिलती है तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरे से अपना अकेलापन और दुख बांटकर परिवार की तरह रहती हैं। रंगों का त्यौहार होली बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। सभी की ख्वाहिशें होती हैं कि उनका जीवन खुशियों से गुलजार हो सके। कुछ ऐसा ही लखनऊ का अल्पाहार है जो सभी के जीवन में खुशियां भरता है। एक तरफ ये अल्पाहार जो बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देकर उनकी खुशियों में रंग भर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शुद्ध स्वादिष्ट पकवान बनाकर लोगों के जीवन में खुशियां से रंगों को भर रहा है। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं